नमस्कार, मायका में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही स्वादिष्ट गुजराती स्टाइल आम का छुंदा। और इसको बनाना भी बहुत आसान है और इसे बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम ज़रूरत के अनुसार कच्चे आम लेकर उन्हें धो लेंगे और अच्छी तरह पोंछ लेंगे। और अब हम इन्हें पील करेंगे और पील करने के बाद हम इसे कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने के लिए हमें मोटा कद्दूकस ही चाहिए। आप बारीक कद्दूकस यूज़ ना करें, क्योंकि फिर उससे पकाते वक्त जो उसका लच्छा होता है फिर वो मैश हो जाता है। इसलिए इसके लिए मोटे कद्दूकस से ग्रेट करना ज़रूरी है। अब इस नॉनस्टिक पैन में मैंने 2 कप कसा हुआ कच्चा आम डाला है। अब इसी कप से हम नाप के बराबर क्वांटिटी में चीनी डालेंगे। अगर आपका आम कम खट्टा है तो आप 2-3 टेबल स्पून कम चीनी डाल लें, या आम ज़्यादा खट्टा है या आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, पर रेशो लगभग बराबर रहता है। अब इसमें हम 1/3 स्पून हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। बाद में हम थोड़ा काला नमक भी डालेंगे, तो आप नमक उसी हिसाब से डालें। अब हम इसे मिक्स करेंगे और धीमी आँच पर इसे पकाएंगे जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए और इसकी चाशनी ना बन जाए। अब हमारा छुंदा पक के तैयार है। इसका आम का लच्छा है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है और चाशनी भी एक तार की बन गई है। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चाशनी ओवर कुक ना हो जाए। अगर आपने ज़्यादा ओवर कुक कर दी तो छुंदा बाद में कड़क हो जाएगा, और कच्ची रह गई तो वो छुंदा बाद में ख़राब हो सकता है। अब इसे हमने ठंडा कर लिया है और इसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ कच्चा जीरा डाला है। अब 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, या आप चाहें तो नॉर्मल मिर्च भी डाल सकते हैं, और 1/2 टीस्पून काला नमक डाल के हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसे आप कांच के जार में रख के रूम टेम्परेचर पर आराम से स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने इसे अच्छी तरह पकाया है तो ये 1 साल से भी ज़्यादा समय तक ख़राब नहीं होता। आप इसे रोटी, पूरी, खिचड़ी, दाल चावल किसी के साथ भी सर्व करें, आपको बहुत पसंद आएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।